नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एग्री सेड किक चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो स्टोर ग्रेन और पेस्ट होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो भंडारण किए हुए होते हैं वो मतलब सीड वगैरह होते हैं या ग्रेन होते हैं, उनमें कौन कौन से लगते हैं। तो इससे क्या है कि आप विजुअल देखेंगे ना, तो उससे अच्छी तरीके से शायद आपके याद हो पाएगा, या एक देखेंगे तो इमेज आपके माइंड में डेवलप होगी और उससे अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। तो कुछ इंसेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये तो ऊपर से दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो पेस्ट जो स्टोर ग्रेन होता है, स्टोर होता है वो अपना, और वो उनमें की दो तरीके से लगते हैं। एक तो बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस, यानी कि इनके महत्व के आधार पर, जैसे प्राइमरी फीडर होते हैं वो प्राइमरी फीडर है ना, पहले अटैक करते हैं, यानी कि सबसे पहले अटैक करते हैं, और इसलिए अटैक, और ये किसी दूसरे से जिसमें ग्रेन में अफेक्ट करते हैं वो पहले इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, सही होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट वही होता है, जैसे कि इसमें लिखा गया है प्राइमरी प्रोडक्ट, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है इस, ये इसमें दे अटैक फ्रेश ग्रेन एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कोई भी ग्रेन होते हैं या उनका प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट उनको अटैक करते हैं। इसमें श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं राइस वीवल, पल्स बीटल और एग्रो एग्यूमाइसिन, ग्रेन मोथ और राइस मोथ ईटीसी, ये होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा सेकेंडरी कौन से होंगे, तो सेकेंडरी वो होंगे जिससे प्राइमरी अब फीडर खा लेते हैं, उसके बाद बच जाता है उसको। तो इसमें ये डेफिनेशन दी हुई, दी अफे द फीड ऑन लेफ्ट ओवर मेटेरियल ऑफ डैमेज ग्रेन बाय द प्राइमरी और प्राइमरी फीडर्स, यानी कि जो जो पहले खा चुके हैं इंसेक्ट और उसके बाद बचा हुआ है उनको वो खाते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। अब फीडिंग हैबिट के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बाद में पूरा स्लाइड में आपको दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसा इंसेक्ट होता है वो पूरा दिखाएंगे। अब बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट के आधार पर देख लेते हैं, ये इंटरनल फीडर है। अब इनको अलग अलग माइंड दे अलग अलग से देखना है आपको, ये पहला तो इम्पोर्टेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन, दूसरा है खाने के आधार पर, यानी कि फीडिंग हैबिट के आधार पर। तो इंटरनल फीडर वो होते हैं, दे फीड ऑन इंटरनल कंटेंट ऑफ द ग्रेन या कर्नल्स या सीड्स, ये कर्नल्स या सीड्स होते हैं या ग्रेन होते हैं, उनको अंदरूनी होता है सब, उसको खाते हैं ये, ठीक है। अब इसमें ये श्रेणी में ये आते हैं, ये यहाँ तक के राइस वीबल्स है, लेजर ग्रेन बोरर है, पल्स बीटल, एंग्यूमाइसिन ग्रेन, ग्रेन मोथ है, टेमारिन बीटल है, ड्रग स्टोर बीटल है और सिगरेट बीटल्स है, तो ये आते हैं। अब उसके बाद एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं, एक्सटर्नल दे फीड ऑन सरफेस ऑफ द ग्रेन एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये सरफेस को खाते हैं और उसके प्रोडक्ट होते हैं उसको, यानी कि सरफेस से करते हैं, जिसमें रेड फ्लर बीटल है और इंडियन मील मोथ है, राइस मोथ है और खपरा बीटल है। अब इसके बारे में देखिए, इस तरीके से किया गया है। अब इसमें जो ये इंसेक्ट होते हैं ये कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के उससे आते हैं, और जिनमें कि नॉन इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं वो भी होते हैं। अब ये जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं ये दो होते हैं, जैसे कॉलियोप्टेरा होते हैं और लेपिडोप्टेराज होते हैं। तो इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप देख लें और मैं आगे की स्लाइड में बताता हूँ आपको कि किस तरीके से, और इसमें नॉन इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं वो माइट या रेट्स हो सकते हैं, चूहे या माइट वगैरह होते हैं, वो इंसेक्ट में नहीं आते हैं तो वो भी हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए, ये दो तरीके के हैं इसमें कि सोर्स किस तरीके से और किस तरीके से अफेक्ट करता है और सोर्स क्या है इनका। एक तो ये दो तरीके से ग्रेन को अफेक्ट करते हैं, एक तो फील्ड में इंस्पेक्शन करते हैं और एक फील्ड और स्टोरेज और उसके रखे हुए उनको अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसमें, जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल हैं वो स्लाइड में इमेज के द्वारा दिए हुए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे शायद। जो इंटरनल फीड रहे हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं फर्स्ट में, एक्सटर्नल के बाद में, एक्सटर्नल का बाद में चर्चा करते हैं। ये इंटरनल कंटेंट को खाते हैं, ये तो पता लग गया होगा इसमें कि पल्स बीटल और एंगमाइसिन ग्रेन मोथ आते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखते हैं, राइस विविल है इसमें, स्टोफिलस और आई जी है, कोलियोप्टेरा इसका, और फिर उसके बाद इसमें क्या है, ये इसकी जो
इन्फेक्टेड करते हैं उन ग्रेन्स को। ये इसके ग्रब होते हैं, वो टनल यानी कि एक तरीके से ये सुरंग आकार में बोल सकते हैं, बीज में वो दिखने लग जाती है सीड में, इस तरीके से खाते हैं। और इसके जो प्यूपेट है वो एडल्ट या इमर्ज आउट उससे बाद में निकलते हैं उसमें जो खाने के बाद। और ये इसमें होल डेवलप करते हैं जो इरेगुलर होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होते हैं। ये इसके जो यहाँ पे देखिए ये राउंड शेप में एक दो ये इरेगुलर ज़्यादा होते हैं इसमें, यानी कि कटे फटे इस तरीके से होते हैं, तो इरेगुलर शेप में होते हैं। और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है राइस वीवल्स की। नेक्स्ट है लेजर ग्रेन बोरर, ये भी इस तरीके के टनल डेवलप करते हैं सीड में। और इनकी जो भी ये प्यूपेट ग्रब और प्यूपेट वगैरह स्ट्रक्चर दी हुई ये देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो हानि पहुंचाते हैं ये इस तरीके से पहुंचाते हैं कि इसमें जो सर्कुलर होल डेवलप होता है यानी कि इरेगुलर नहीं होता, बिल्कुल गोल होता है जहाँ पे ये क्षति पहुँचाते हैं वहाँ से निकलते हैं ना। अब इसमें पल्स बीटल है, पल्स बीटल ये पल्सेज के क्रॉप में लगता है, कैलोसोब्रोचस चाइनेंसिस। ये इसमें भी सर्कुलर, इसमें बिल्कुल गोल आकार के होल डेवलप होते हैं इसमें, और इस तरीके का होता है। फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं पल्स बीटल को। और सिगरेट बीटल इस तरीके का होता है, इसमें भी टोबैको बीटल कहलाता है इसको। और ये इस तरीके से जो सिगरेट होती है उनमें स्पॉट से दिखते हैं ये, उसमें ये रखी हुई स्टोर की हुई रहती है उनमें, इस तरीके के दिखते हैं ये। और ये जिंजर या टर्मेरिक या चिल्ली में भी लगता है। उसके बाद ड्रग स्टोर बीटल है, ये उसी की तरह स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें ये होता है, इसमें स्ट्रक्चर पूरी दी हुई इस तरीके से हानि पहुंचाते हैं ये ड्रग स्टोर बीटल, स्टेगोबियम पेनिसियम और टीनिडे होता है इसका, पी साइलेंट इसमें नाम। थोड़ा सा स्लाइड को देख लें माइंड में, थोड़ा ध्यान रहे इससे। ये ग्राउंडनट सीड बीटल है, ये कर्नल्स को इस तरीके से ये हानि पहुंचाते हैं। और ये बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये तो आपने लगा देखा होगा ग्राउंडनट सीड बीटल, तो जिसमें कई बार वो ग्राउंडनट या मूंगफली लेते हैं तो उसमें लट सी दिखाई देती है, वो अफेक्ट करते हैं और ये मार्केटिंग के लिए नहीं रहती है, इस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। और एंगियोमाइसिन ग्रेन मोथ इस तरीके का होता है जो इस तरीके से हानि पहुंचाता है, स्ट्रेटोगा सेरसेला। इसका जो लार्वा होता है वो इंटरनल कंटेंट है उसको फीड खाता है और सर्कुलर होल डेवलप करते हैं इसमें ये खाने के बाद, बिल्कुल गोल आकार के। और जो होल होता है वो 1 mm के आकार के समथिंग का होता है। इसके बाद इनको किस तरीके से अपन रोक सकते हैं, इनका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट ये दिया हुआ है, मॉइस्चर कम रखना चाहिए यानी कि 10% से कम रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी क्रॉप होती है जिनका 10% से कम रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या रेस्पायरेशन करते हैं इंसेक्ट, तो इसकी वजह से हीट डेवलप होती है और वो इंसेक्ट के लिए सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट होता है फलने फूलने के लिए, तो मॉइस्चर कम रहना चाहिए और खुली जगह होना चाहिए। और जो क्लीन करके रखना चाहिए उसमें फालतू के जो कूड़ा कंकड़ या अवशिष्ट है उससे क्लीन करके रखना चाहिए। और गोदाम को स्प्रे करना चाहिए मेलाथियोन 50 EC एट द 10 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करना चाहिए, या 3 L सॉल्यूशन को 100 m² एरिया में स्प्रे करना चाहिए। और वेंटिलेशन वगैरह सही होना चाहिए गोदाम में और जालियां वगैरह लगी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद अगर जो अपन सीड को खाने के लिए यूज करना है तो इस तरीके से एडेबल ऑयल्स के रूप में ये चीज होती है उनको यूज कर सकते हैं।
ये आप देख लें। उसके बाद आता है कि इनका मैनेजमेंट और किस तरीके से करें, पोषा भी इनका यूज में ले सकते हैं, या बैग होते हैं, बैग भी तीन तरीके से डेवलप किए गए हैं, जिसमें कि जीरो फ्लाई है बैग है, ग्रेन प्रो बैग है जिसमें पॉलिथीन अंदर होता है ऊपर के, फिर प्लास्टिक टाइप का होता है, HDPE बैग्स होता है, लेमिनेट इनसाइड, ये लेमिनेट होता है इसमें, इसके पॉलिथीन फर्स्ट वाले में इसके साथ ही लगी रहती है तो लेमिनेटेड है ये। ये पूसा बिन है, इस तरीके का बनाया जाता है। और क्यूरेटिव मेजर हैं वो, इस तरीके से हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन करता रहना चाहिए, गोदाम में रखें जहाँ पे ड्राई रखना चाहिए, और सूर्य की किरणें आनी चाहिए बराबर वहाँ पे, फ्यूमिगेशन करते रहना चाहिए, और मेथिल ब्रोमाइड वगैरह जो भी है यहाँ पे, ये क्यूरेटिव मेजर्स आप देख लें।